अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाज़ न्यूज़ में भलीकार माया गज़ाल आप रोज़ सब का पेरे आए का नज़र हेडलाइंस पे। सिंध में गवर्नर राज लागू करने वाली समरी वजीर आजम के दिनी है पर अजा तीन फैसलो ना है थियो। मां वजीर आजम के सिंध में गवर्नर राज या इमरजेंसी लगान जो चयो। 24 मार्च का 4 अप्रैल तीन गर्मा गर्मी जहाँ ढीह सिंध हाउस में जो कुछ थे पो उन करे सिंध में गवर्नर राज लगान की तजवीज़ दिनी। वजीर आजम 27 मार्च से सब का वो जलसो कौ। वफाकी घरू वजीर शेख रशीद जी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध हाउस में अज पुलिस गर्दी कई वही तो नतीजन जो जिम्मेवार इमरान खान होंद। टिन अगूणन वजीर आजमन यूसुफ रजा गीलानी राजा परवेज अशरफ और शाहिद खाकन अब्बासी वफाकी घरू सेक्रेटरी पुलिस ए इस्लामाबाद इंतजामिया के खबरदार कर छो। संदन चवण है तो बेतमादी रिथ आईनी अमल है। इमरान खान 172 मेंबर्स पूरा नथो कर सके। बेतमादी रिथ में पुलिस इंतजामिया धुर बणी तो वह आईन की भंज कड़ी होंगी। बेतमादी रिथ के किए मुंह डिजे वजीर आजम इमरान खान की सदारत हेठ सियासी कमेटी जो इजलास। डी चौक से रिथल जलसे बेतमादी रिथ मुल्क की मौजूदा सियासी सूरतयाल से मुशावरत कई वही। वडे वजीर शाह महमूद कुरैशी सिंध में गवर्नर राज लागू करने की तजवीज़ की मुखालफत कर छी। संदस चवण है तो सिंध हाउस में जो कुछ थी रो है वो मीसा के जमहूरियत के रूह के उबतड़ है। पार्लियामेंट के मुआवजन से पार्लियामेंट के नुकसान पहुंतो तो चो तो घर के बाहे लगाई वही घर के चिराग में। पाकिस्तान बार काउंसिल पारा वफाकी घरू वजीर शेख रशीद के गवर्नर राज बाबत बयान की सख्त लफ्जन में मुजम्मत। पाकिस्तान बार काउंसिल जो चवण है तो सिंध में गवर्नर राज लगन से मुल्क में डफेड़ फैलजन जो खदशो है। गवर्नर राज से जमहूरी अमल के नुकसान थो अड़े किस्म जहा गैर जमहूरी कदम रोकने लाए आवाम ए वकील बरदरी हर हद तीन वेंदी। सिंध बार काउंसिल पारा भी सिंध में गवर्नर राज लागू करण की मुजम्मत। हुकुम जहा ढी पूरा थी चुका है पार्लियामानी अमल से नायल हुक्मरान में जान छाइंदी। स्पीकर जाने तो वो आईन कानून का मथाओ ना है। अज गवर्नर राज की जरूरत पंजाब में है। अगुणे वजीर आजम शाहिद खाकन अब्बासी जो मीडिया से गालू चवे तो मौजूदा हालतुन में पीटीआई की हुकूमत जो भी जवाब ना है रो। नेब मुल्की मीशत के तबाह कर छो है। नेब जो कम रुगो मानुन ते जाली केस छायण है। मुल्क में इन वक्त साफ ए शफाफ चूंडन की जरूरत है। पीपी अगवान मंजूर वसान चवाए तो गेम ओवर थी चुकी है। शेख रशीद के मुस्तकबिल में मच जेल में ऐसी रो आया। संदस 28 मार्च तीन अड़ा बयान इंदा रहा। कौमी असेंबली मेंबर्स इमरान खान का नफरत जो इजहार कदे अलग थी रहा है। वजीर आजम बाइकॉट जो बहानो कर फरार थियण चाहे तो डी चौक से न पीटीआई नई वरी अपोजिशन जलसो कंदी। 28 मार्च का अग मामला हल थी वा। कांगड़ वेझो जवाबदार पंजी बिन जालुन एक मासूम धी के कत्ल कर छो। बेरानी थाने के अदर गोठ नूर मोहम्मद रिंद में जवाबदार रियास रिंद फायरिंग करे बकीस हुसना ए धी कलसुम के कत्ल कयो। पिथोरो भरसा गोठ हाजी भुट्टो मरी में घर की भित किरण सबब एक बारड़ो दबजी फौत एक जणो सख्त जख्मी। पौती नींगर राजू कोहली के घर में कोराम मची वो जख्मी। चमन कोहली अस्पताल मुंतकिल। नवाब शाह में डॉक्टर परवीन रिंद के ईसाइण वो मामलो। परवीन रिंद अदालत में पेश। थर्ड एडिशनल सेशन जज की अदालत वकील जहा दलील बुधन बाद मुख्य जवाबदार गुलाम मुस्तफा राजपूत की जमानत वाली दरख्वास्त रद्द कर छी। कोट लालू भरसा मेरान हाईवे से जानन से भरल बस कल्टी नींगरी फौत 35 जणा जख्मी। जख्मी में औरतू मर्द ए बार शामिल। चैन औरतुन समेत 11 जणन की हालत गणती जोगी।
सनमे इंडस हाईवे ते मुसाफिर कोच कार ए ट्रॉलर में टक्कर बजना फौत एक जनो जख्मी फौतियों में राना आफ्ताब अनवर ए खुरम अली शामिल जख्मी थियल फुरकान अस्पताल मुंतकिल मटियारी में वसान बिरादरी की बिंदरियों में झेड़ो फायरिंग में भाइटे हथा चाचो कतल एक जख्मी जमीन के तकरार था मोहम्मद अली वसान चाचे उम्मीद अली वसान के गोलियों हणी कतल कयो जख्मी अस्पताल मुंतकिल